हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर 2024। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका जो भी बीता साल 2023 जैसा भी रहा, उम्मीद करते हैं कि 2024 आप सभी के जीवन में ढेर सारा खुशियाँ लाए, आप सभी अपने जीवन में उस मुकाम को पाए जो कि आप चाहते हैं। हालांकि ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आपको मैसेज करना नहीं है, मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर आज नए साल के लिए मैं आपसे कुछ साझा करना चाहता हूँ। जो बातें स्टूडेंट लाइफ में मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही, और उम्मीद करते हैं इस बात को आप भी अपने लाइफ में रिलेट करके देखेंगे, तो इस चीज़ के आधार पे आप अपने जीवन में कुछ डिसीजन ले पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को बना रहा हूँ। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो हम लोग अक्सर पढ़ाई करते हैं, बहुत बार इंप्रूवमेंट दिखाई देता है, बहुत बार इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई देता है। पढ़ाई ही एक ऐसा मार्ग है जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन में चेंजिंग ला सकते हैं, इस बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ और इसमें कोई शक करने की बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई करने के बाद सिर्फ अगर मेरे को नौकरी लग जाती है तभी मेरे लाइफ में चेंजिंग आए, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। बाई किस्मत और मेहनत दोनों की वजह से, सिर्फ मेहनत की वजह से मुझे नहीं लगता है कि कोई चीज़ मैं हासिल कर सकता हूँ, या सिर्फ किस्मत भी कोई चीज़ आपको नहीं दे सकती, ऐसा मुझे लगता है। आप मेहनत करते हैं उसके साथ साथ बहुत बार आपको किस्मत भी मिल जाती है तो आप अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन उस तरीके की सक्सेस उनको नहीं मिल पाती है जिस तरीके की वो अपेक्षा रखते हैं या जिस लेवल तक वो मेहनत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो किस लेवल तक हमको पढ़ाई करना चाहिए, कि हमको पढ़ाई करते करते 30 साल 35 साल तक किसी एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहिए, या किसी एक ऐसे पॉइंट पे उस चीज़ को स्टॉप करके हमको किसी दूसरे रास्ते पे जाने का कोशिश करना चाहिए, तो इस चीज़ का हम लोग डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो इसका जो मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने फील कर पाया, जिसके आधार पर मैंने एक जो भी गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई किया, तो उसके आधार पर मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। मान लेते हैं पिछले अभी जो भी लास्ट मैंने एग्जाम दिया है उसमें मेरे कुछ मार्क्स आए होंगे, स्वाभाविक बात है अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे तो कितने एक नंबर से क्वालिफाई नहीं कर पाए या कितने परसेंटाइल नंबर्स आया। फिर नेक्स्ट जब भी हम एग्जाम देते हैं या कुछ टेस्ट ही देते हैं तो अपने आप को ये देखना है कि पिछले जो भी टेस्ट में या एग्जाम में मेरे जितने मार्क्स आ रहे थे अगले एग्जाम या टेस्ट में क्या उतना मिनिमम या उससे एक मार्क्स या दो मार्क्स ही इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट कंटिन्यू नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आज नहीं तो कल आप जाके जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वालिफाई होंगे और अवश्य ही होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि एक एग्जाम दिए और दूसरे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लग रहा है तो तीसरा एग्जाम ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत बार होता है कि एक एग्जाम अच्छा गया, दूसरा एग्जाम में थोड़ा सा बैक कुछ गड़बड़ी वजह होने की वजह से थोड़ा सा मतलब एग्जाम बहुत अच्छा नहीं जा पाता है, लेकिन फिर तीसरा देखिएगा तो उसके एवरेज में रहता है। लेकिन जब आप 10 एग्जाम 15 एग्जाम दे दिए और सभी में मार्क्स सेम ही आ रहा है, मार्क्स में कोई भी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही है, और भी कटअप से जो मार्क्स आ रही है वो काफ़ी दूर है, तो ऐसे स्थिति में मेरा सजेशन रहेगा आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसे स्थिति में या तो आप जो भी तरीके से पढ़ाई करें उसको इंप्रूव मतलब उसमें कुछ चेंजिंग करने का कोशिश करें ताकि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो पाए, या फिर चेंजिंग करने के मतलब सभी कोशिशें करने के बाद भी अगर आप इसमें इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कटअप से काफ़ी दूर है, तो ऐसे स्थिति में मेरा सजेशन रहेगा कि आप गवर्नमेंट जॉब के अलावा किसी दूसरे काम को करने का कोशिश करें। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब एक मतलब जैसे जो भी बच्चे तैयारी करते हैं कितना माल से 30 साल 35 साल एज तक बहुत सारे लोग होते हैं रेलवे का या किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं, उतनी तैयारी करने के बाद अगर आप सक्सेस हो जाते हैं 35 साल के एज में भी तब कोई दिक्कत नहीं होती, आप लाइफ आराम से अपना गुजार सकते हैं, इसमें कोई शक की बात है। लेकिन मान लेते हैं 30 साल 35 साल तक आप तैयारी करते हैं उसके बावजूद ये भी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम सभी को कभी भी नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि जो लोग 33 34 35 की एज तक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके बावजूद वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसके जीवन के बारे में थोड़ा इमेजिन करने का हम कोशिश करते हैं तो फिर बहुत दुखदायी बहुत दर्दनाक जीवन वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसका लॉजिक सिंपल है कि वो अपने लाइफ का एनालिसिस नहीं किए होंगे शायद, क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट इनिशियली से आपको दिखता कंटिन्यू तो 35 या 34 के एज तक आप जाए और कंटिन्यू अगर इंप्रूवमेंट रहता तो गवर्नमेंट जॉब ना निकले ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन मान लेते 25 के एज में जितना नंबर आ रहा तो 26 एक साल बाद उतना ही आ रहा है, उससे कुछ डिक्लाइन ही होने लगे, फिर भी हम लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके आधार पर मैं कहूँगा ये आप गलत ट्रैक पर जा रहे होंगे। अगर कंटिन्यू इंप्रूव हो रहा है तो फिर आप अपने मतलब एग्जाम जो भी तैयारी करें उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं नजर आ रहा डिक्लाइन हो रहा है तो जीवन में सिर्फ पढ़ाई करके ही सफल हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मतलब पढ़ाई जरूरी है लेकिन सिर्फ नौकरी करके ही सफल हो ये जरूरी नहीं है, पढ़ाई करने के बाद आप पे अगर सोचने समझने का शक्ति आप अपने आप में विकसित कर लेते हैं तो उस पढ़ाई की मदद से आप बहुत सारे दूसरे काम कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब में जितना इनकम किया जाता है जितना आप कमा पाएंगे उससे ज़्यादा बेहतर या उसके इक्विवेलेंट अर्न कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे आप वही बात है पढ़ाई के दौरान आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रखने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए, ये मैटर करता है। अगर आप चीज़ों को समझे रहेंगे इस एक चीज़ को समझने का मतलब ये नहीं है उसी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, इस एक चीज़ को बेहतर तरीके से समझने का मतलब होता है कि दूसरे चीज़ को भी हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन जब एक चीज़ को हम ऊपर ऊपर देख लेते हैं तो इसका मतलब है दूसरे काम को जब हम करेंगे तो उस काम को भी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मुझे लगा कि नया साल पे आप लोगों को कुछ पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए, हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं इस वीडियो में कुछ नेगेटिव बातें की, लेकिन ये आपके सोचने का विचार हो सकता है, मैं अपने विचार के आधार पर जो मुझे लगता है उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया है जो कि प्रैक्टिकली आप फील करेंगे तो काफ़ी सही है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा और जीवन से रिलेटेड,
या पढ़ाई से रिलेटेड किसी तरीके का समस्या है जो मुझे लगता है मैंने अनुभव किया है, तो उसको आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसको अपने अनुभव के आधार पर जो, और चूंकि जितनी एज है मेरी उतनी में, तो ये नहीं कहेंगे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव की, लेकिन कुछ चीज़ें जो अनुभव की है, कुछ चीज़ें जो किताबों के द्वारा पढ़ी और उसको प्रैक्टिकल किसी और लाइफ से समझने की कोशिश की, तो जितनी बातें मुझे समझ में आई है अपने परस्पेक्टिव से, उस बात को मैं आपको कमेंट के द्वारा या फिर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, तो उसके द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मेरे विचार आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम में जरूर बताइए। थैंक यू।